अंतिम 60 दिन कैसे हमको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है वो ही जानेंगे इस वीडियो के अंदर, कैसे कम समय में आप अधिक मार्क्स ला सकते हैं देखिएगा। तो देखिएगा नीट 2020 अंतिम 60 दिन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिएगा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि हमको 650 प्लस लाने हैं, लेकिन अगर इतना नहीं आ पाए तो क्या होगा, हमारा कुछ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। आप टारगेट रखिएगा 650 प्लस का, लेकिन दोस्तों आपको मैं एक रियलिटी बता देता हूँ, 650 मार्क्स लेके आना कोई आसान बात नहीं है। गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और अंतिम 60 दिनों में ऐसा हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन आपकी पहले से प्रिपरेशन है तो उसके बिहाव पर आप इतना लेके आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक मैं बात आपको बता दूँ, 650 प्लस लेके आओ, आप 600 प्लस लेके आओ तो भी आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, 550 प्लस लेके आओ तो भी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा, 500 प्लस लेके आओ तो आपको ज़्यादा फीस के अंदर अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको निराश होने वाली कोई बात नहीं होती, अगर आपके मार्क्स दोस्तों 400 प्लस भी आ रहे होते हैं, 400 प्लस भी नंबर अगर आपके आते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको BAMS, BDS, MBBS इनमें से किसी न किसी जगह अच्छी प्लेसमेंट जरूर मिल जाएगी, इनमें से किसी न किसी जगह अच्छी प्लेसमेंट जरूर मिल जाएगी। तो आपको ये नहीं देखना कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे, हमको जो है ये अंतिम 60 दिन जो है इनका अच्छे से यूज करना है जितना हमसे हो पाए। तो देखिएगा हमारे पास ये तीन सब्जेक्ट आते हैं नीट 2020 एग्जाम में, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और ये एग्जाम आपका कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जितने भी मेडिकल आपके एडमिशन होंगे मेडिकल के अंदर वो इसी एग्जाम के थ्रू होने वाले हैं, चाहे वो एम्स हो, जिपमर हो या फिर कोई और हो। तो दोस्तों ये तीन सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब कर लेते हैं। फिजिक्स बायोलॉजी जो है ये सब कर लेते हैं, मेन प्रॉब्लम आती है फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री में। फिजिक्स तो होती नहीं है, किसी किसी के यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स आते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अगर ये स्ट्रेटेजी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये फॉलो करेंगे। देखिएगा अंतिम 60 दिन है दोस्तों और यही आपके जो है फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। तो कम से कम आपको जो है 4 घंटे इधर देने होंगे, 4 घंटे आपको इधर देने होंगे और 4 घंटे आपको इधर देने होंगे, इतना तो करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अंतिम 60 दिनों में ऐसी तैयारी नहीं होगी। और 60 दिनों में 12 घंटे आप दे दो, 12 घंटों में से आप सो भी लो, रेस्ट भी कर लो, बाकी जो बचते हैं, लेकिन ये 12 घंटे आपको पढ़ाई पर देने हैं। देखिएगा बायोलॉजी में आपको कैसे करना है, बायोलॉजी में आपकी तैयारी होगी, बहुत अच्छी तैयारी होगी, आप बहुत कॉन्फिडेंस होंगे, लेकिन दोस्तों 90 क्वेश्चन जो आते हैं उनमें से आपके 70 प्लस नहीं हो पाते हैं। आपको जो है 90 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर टारगेट आपका ये होना चाहिए कि 90 में से 90 किए जाएं, क्योंकि NCERT बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, NTA ने तो बाहर से पूछा ही नहीं है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि थोड़ा साइड से आया हो, डायरेक्ट क्वेश्चन NCERT से उठाता है और वहीं से क्वेश्चन आते हैं, और आप एक महीने में NCERT पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो, और आपने पढ़ भी रखी होगी। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है, आपने NCERT तो पढ़ ली होगी, अब आपने जो है नोट्स आपने बनाए होंगे, नोट्स खुद के, नोट्स को रिवाइज करो सबसे पहले, तो ये 10 मिनट की वीडियो रहने वाली दोस्तों, इसको एक बार देख लो, बहुत फायदेमंद होगी। नोट्स को रिवाइज करो, नोट्स में मान लो कोई आपने एक पहला चैप्टर उठाया उसको रिवाइज कर लिया, तो 4 घंटे हैं, 4 घंटे में 2 घंटे में आपने चैप्टर रिवाइज कर लिया, दूसरे 2 घंटे में क्या करोगे आप, उसके MCQs होते हैं, उसके MCQs बुक लेके आइएगा आप कोई भी MCQs वाली, और उसके उसी चैप्टर के MCQ कीजिएगा, उसी चैप्टर के MCQ रिवाइज करने हैं आपको, जितने जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसी चैप्टर के MCQ रिवाइज करने हैं। इससे क्या होगा कि आपने जो पढ़ा है वो थ्योरी पढ़ी है और उसके बाद आपने MCQ भी लगा लिए तो आपका वो चैप्टर जो है बिल्कुल पक्का हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से आप 60 दिन बचे तो 60 दिनों में दोस्तों 60 नहीं तो कम से कम 40 चैप्टर आप अच्छे से कर लोगे, और यही इतने ही चैप्टर है, कोई ज़्यादा नहीं है, तो 40 चैप्टर आप यहाँ पर कर लोगे तो आपका दोस्तों एक बार आप थ्योरी भी पढ़ लोगे और साथ में आप MCQ भी कर लो। MCQ करने से आपको कुछ रिवाइज भी हो जाता है, वो रिवाइज करने का अच्छा फॉर्मूला यही है, आपने एक बार थ्योरी पढ़ी उसके बाद MCQ पढ़ ली। इसी प्रकार दोस्तों आपको करना है केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन सबसे पहले मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, क्योंकि फिजिक्स आपके हवा बना हुआ है। 60 दिन है हमारे पास और दोस्तों फिजिक्स के अंदर आपके नेगेटिव स्कोर रहता है काफ़ी टाइम, मैंने देखा है नेगेटिव स्कोर रहता है, नेगेटिव स्कोर आपको आता है, इसको कैसे दूर करना है और कैसे जो है हमको अच्छे नंबर लेके आने वो देखिएगा। 4 घंटे आपके पास, कोई भी देखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप फिजिक्स की पूरी अच्छे से तैयारी करो, आप जो कर सकते हो वो करो, कोई भी छोटा टॉपिक उठाओ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं बात नोट कीजिएगा, आपको पता ही है यहाँ से क्वेश्चन तो आते ही हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक आपने उठाना है। सबसे पहले आपने टॉपिक उठाया और उसके ऊपर आप 2 घंटे दो, उसके ऊपर 2 घंटे दो उसी टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट 1 आवर में क्या करेंगे, नेक्स्ट फिर 1 आवर में आपको रिवाइज करना है जो आपने जो पढ़ा उसको जल्दी जल्दी 1 आवर में, ठीक है। कोई टॉपिक उठाया 2 आवर दिए, फिर रिवाइज किया उसको 1 आवर में, उसके बाद जो है 1 घंटे में जो है आपको MCQs ट्राई करने हैं, उसके MCQ ट्राई करने हैं, 5 हो 10 हो गए, उसके नेक्स्ट दिन जितना वो टॉपिक बच जाता था उसको फिर से रिवाइज करो, फिर से 1 घंटा उसको रिवाइज पे दो और फिर से जो है MCQ ट्राई करो। इस प्रकार क्या होगा दोस्तों, दो दिन में आपका एक टॉपिक कवर हो जाएगा, 2 दिन में आपका एक टॉपिक कंप्लीट कवर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम बात करें 60 डेज में, तो 60 डेज में दोस्तों आपका टॉपिक टोटल कवर हो जाएंगे 30
30 टॉपिक ऐसे कवर हो जाएंगे जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मान के चलो आपने 30 टॉपिक तैयार किए, 30 में से 20 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, 30 में से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं और 20 आप कर लेते हैं। और ऐसी बात नहीं है जो बच सकते हैं 25 क्वेश्चन, उनमें भी आपको जरूर आते मिलेंगे 2 से 4 क्वेश्चन। तो मतलब कि दोस्तों आपके फिजिक्स में 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपने जरूर किया होगा फिजिक्स के अंदर, आपने पता है क्या प्रॉब्लम आती है फिजिक्स के अंदर, आप सोचते हैं कि मैं सारी फिजिक्स मेरे को पढ़नी है, यहाँ से शुरू कर दिया तो मैं अंत तक जाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। फिजिक्स ऐसे कोई आसान बात नहीं है, जिसको अच्छी ज्यादा ही बहुत ज्यादा नॉलेज है वही करें ऐसा। लेकिन आप एवरेज स्टूडेंट है तो क्या करें, कोई भी टॉपिक उठा ले छोटा सा, उसकी एक एक लाइन पढ़ना स्टार्ट कर दें, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। उसको 2 घंटे में आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहेंगे तो एक टॉपिक छोटा सा आप जल्दी कवर कर लेंगे और 2 दिनों में तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, विद एमसीक्यूज, विद जो आपकी न्यूमेरिकल है। और न्यूमेरिकल भी आपको कौन से करने वो भी मैं बता दूं, न्यूमेरिकल ज्यादा प्रदीप की बुक्स में आते हैं वो नहीं करने, आपको न्यूमेरिकल करने हैं जो एनसीईआरटी की बुक होती है, हर चैप्टर के साथ एक्सरसाइज भी होती है वही न्यूमेरिकल, अगर ना भी हो पाए तो उनके रट्टे लगा जाए अंतिम समय में, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएगा और डायरेक्ट आपको करने हैं। 45 में से 25 से 30 क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट उठाए जाते हैं और जिनके डायरेक्ट बिना स्टेटमेंट चेंज किए वहां पर आंसर होते हैं। तो वो कैसे भी करें दोस्तों, फिजिक्स का आपका अच्छा हो गया ना तो समझो आपका सिलेक्शन हो गया। फिजिक्स के लिए आप की तैयारी नहीं होती, जिस दिन एग्जाम देने जाते हो फिजिक्स में आपको ABCD भी नहीं आ रही होती, तो आप इतना भी कर लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा और आप जो है सिलेक्शन ले पाओगे। 30 टॉपिक कर लोगे आप अच्छे से तो 30 में से 20 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, जो हर बार आ रहे हैं वही टॉपिक आप करो और 20 क्वेश्चन आपके होंगे, करके देखना दोस्तों। फिजिक्स आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, एक टॉपिक पढ़ के आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना 2 दिनों में, फिर देखना आप अगले दिन आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का होता है, बहुत अपर लेवल का होगा और अगले दिन और अच्छे से तैयारी कर पाओगे। केमिस्ट्री की बात आती है दोस्तों, इनऑर्गेनिक तो आपकी वैसे ही तैयार होती है, इनऑर्गेनिक तो आपकी वैसे ही तैयार होती है, आपको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शन दी होती है, जो रिएक्शन दी होती है उसको क्या करना है, ट्रिक से याद कर लेना है। कोई रिएक्शन आपको याद नहीं हो रही है तो उसका रिजल्ट कैसे भी याद करें, आप अपने दोस्तों के नाम रख लें, इसका फैटी एसिड रख दिया, इसका मैंने फ्लोराइड रख दिया, इसका वो रख दिया, इस प्रकार याद कर लें कैसे करके। टोटल से टोटल कुल मिलाकर 50 रिएक्शन होंगी अच्छी अच्छी जो पूछी जाती है, उनको याद करने में कितना समय लगेगा आपको, 1 दिनों में आप 5 रिएक्शन याद कर लें, एक्स्ट्रा वर्क करें ये आपको 4 घंटे जो है से 30 मिनट के लिए एक्स्ट्रा वर्क करें कि आज मेरे को जो है 5 रिएक्शन जो है याद करनी है कैसे भी करूं मैं। तो इस प्रकार आप 10 दिनों में 50 के 50 रिएक्शन याद कर लोगे, 60 होगी तो 12 दिनों में कर लोगे, 15 दिनों में कर लोगे, 20 दिनों में कर लोगे, ये तो आपका एक्स्ट्रा वर्क, बाकी बच गए आपके 3.5 आवर्स। और केमिस्ट्री इतनी ईजी आती है, देखिएगा 12th तक केमिस्ट्री जो एग्जाम में पूछी जाती है, जो हम डिस्क्रिप्टिव लिख के आते हैं वो टफ होती है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव लेवल की केमिस्ट्री होती है वो काफी इजी होती है एज कम्पेयर टू डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। तो दोस्तों 3.5 घंटे में आपको क्या करना है, वही मैं, मेरा तो यही मानना है कि जो भी आप थ्योरी पढ़ते हो, जो भी आप थ्योरी पढ़ते हो उसके एमसीक्यू जो है आपने नेक्स्ट दिन नहीं किए तो आपकी तैयारी जो है बिल्कुल जीरो है। आपने थ्योरी पढ़ी है आज, 1 महीने बाद इस चैप्टर के एमसीक्यू कर रहे हो तो कुछ भी नहीं कर रहे हो आप दोनों ही जगह फेल हो जाओगे। लेकिन आपने थ्योरी कर ली उसके बाद एमसीक्यू कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई, वो चैप्टर बिल्कुल आपके माइंड में आ गया। कुछ कमियां थ्योरी पढ़ते हुए रह जाती है, कुछ एमसीक्यू करते हुए, लेकिन दोनों का आप मेल जोल करोगे तो आपको कोई कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों इस प्रकार आपको तैयारी करनी है, और जरूरी नहीं है कि 650 प्लस ही आपको लेके आने हैं, कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे रह जाते हैं 650 प्लस तो नहीं आएंगे, इतने तो गलत हो ही हो जाएंगे, नहीं होगा। देखिएगा आप ये मान के चलो बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री 135 क्वेश्चन आते हैं, 135 क्वेश्चन, और अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हो तो 120 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, 120 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में आप ऐसे लगा लो, केमिस्ट्री में गलती करते हो 10 और 5-7 गलती आपकी बायोलॉजी में हो जाएगी, 120 क्वेश्चन यहाँ पे नहीं गए, और मैंने यहाँ पर बताया बहुत कम, इतना अच्छे से करोगे 30 टॉपिक है, 4-5 क्वेश्चन आपको वैसे आते मिले तो 25 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके फिजिक्स के अंदर। टोटल आपके क्वेश्चन जो है दोस्तों वो हो जाएंगे 12 और 145 क्वेश्चन टोटल आपके हो जाएंगे, 145 क्वेश्चन का मतलब है 580 प्लस आपके नंबर चले जाएंगे, और 580 प्लस नंबर ले आइए दोस्तों, आपको जो कहोगे वो कॉलेज में दिलवाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, आपके ड्रीम कॉलेज आपको मिल जाएंगे 580 प्लस में। और इतना तो मैंने बताया, इतना अंतिम 60 दिनों में आप पढ़ लोगे, और अगर इतना नहीं पढ़ पाते हो तो भी आप जो है 500 प्लस नंबर ले लोगे, 500 प्लस, और 500 प्लस में ऐसी बात नहीं है कि आपने कुछ नहीं, आप वेस्ट, आपके नंबर वेस्ट जाएंगे, आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। चलो ठीक है MBBS में नहीं मिल रहा, MBBS में प्राइवेट कॉलेज मिल रहा, इतना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, काफी फैमिली तो कर भी लेगी, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो BDS भी है, BDS में हो जाएगा, अच्छा अच्छे स्कोप है BDS के भी, या फिर BMS में भी हो जाएगा, सभी जगह अच्छे स्कोप है अगर अच्छा कॉलेज आपको मिल जाता है। और मैं आपको बता दूं 450 प्लस नंबर आ जाते हैं तो BAMS आपको पक्का मिल जाएगा अच्छा कॉलेज, 500 पर BDS मिल जाएगा, 550 प्लस पर आपको MBBS मिल जाएगा। तो ऐसे पढ़ना है दोस्तों आपको अंतिम दिनों में, उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ आया होगा। अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है हमेशा अपर लेवल रखना है, अपने पेरेंट्स की तरफ देखना है, आपके पेरेंट्स आपसे क्या उम्मीद रखे हुए हैं, जब भी आपका पढ़ने का मन ना करे तो इस बात को सोच लेना कि आपके पेरेंट्स आपसे क्या उम्मीद रखे हुए हैं, उस टाइम आपका खुद पढ़ने को मन कर जाएगा। और ऐसी बात नहीं है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, वो भी मैं आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बाकी काउंसलिंग कैसे होगी, कैसे कॉलेज अलॉट होगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा, टॉप कॉलेज कौन सा है, किस टाइम आपको ड्रॉप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना, सब कुछ आपको बताया जाएगा टाइम आने पर, आप चैनल से जुड़े रहें बस।
जो भी कमेंट के थ्रू आप डाउट पूछना चाहते हो, कोई क्वेरी रहती है आपकी, तो आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे और आप अच्छे से तैयारी कर पाएं। और उम्मीद करूंगा कि ये जो स्ट्रेटेजी बताई है, इतना कुछ है नहीं, केवल 12 घंटे देने एक दिन के, 12 घंटे आप खेलो कूदो सो खाओ पियो ऐश करो, जो करना है फोन चलाना है फोन चलाओ, टिकटॉक चलानी है टिकटॉक चलाओ, कुछ भी करो, लेकिन 12 घंटे अंतिम 60 दिनों में अपनी पढ़ाई पर दे दो। आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये बात मैं सिक्योरिटी के साथ कह रहा हूं। जो मन चाहा कॉलेज आपको मिल जाएगा इन 60 दिनों में, अगर आपने अच्छे से मेहनत कर लिया। आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी काम चल जाएगा, सिर्फ आप अंतिम 60 दिनों को अच्छे से तैयार कर लो। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।